नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पहले आपको पाठशाला में बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगेगी, फिर आगे की बात। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का फोर्थ गियर लगा दिया है और योगी हेमंता के बाद अब कौन नया हिंदू वॉरियर आया है, आज उससे मिलवाऊंगा। मुस्लिम वोट के लिए बिछ गए इंडी वाले, मोदी योगी हिंदू को जगाने में क्यों लगे हैं, आज ये आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी की धरती, बाला साहेब की विरासत, लेकिन उद्धव ठाकरे का काम मोदी को क्यों करना पड़ रहा है। मुगलों के खिलाफ शिवाजी महाराज का वो इतिहास जो हर हिंदू को आज देखना चाहिए, वो भी लाया हूं। इसके अलावा सलमान पप्पू जिशान के बाद अब 10 साल के अभिनव को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी का सच क्या है। लॉरेंस बिश्नोई का वो काम जिसने सलमान खान की रातों की नींद उड़ा दी है, आज उसके बारे में भी बात होगी। और फिर अयोध्या में इस दिवाली ऐसा क्या पहली बार होने वाला है जो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। भगवान श्री कृष्ण का दिवाली से क्या कनेक्शन है, वो भी दिखाऊंगा। और धनतेरस पर सबसे बड़ा भ्रम मिटा देने वाले वो मंत्र जो आपको भी चौंका देंगे, वो भी लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन जल्दी से, उसके बाद पहला चैप्टर। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी, ईवीएम पर सवाल उठाए थे, उस पर चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सभी आरोपों को आधारहीन पाया और उन्हें खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को हिदायत भी दी कि इस तरह की सनसनीखेज शिकायतें न करें। आयोग ने बताया कि इस तरह की आधारहीन शिकायतों की वजह से अराजकता फैल सकती है। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने देश के बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। इस योजना का फायदा करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ बुजुर्गों को मिल सकेगा। इस योजना के साथ ही पीएम मोदी ने आज हेल्थ सेक्टर से जुड़े 12,850 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट मिला है। पाकिस्तान के आतंकी रेलवे ट्रैक पर आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। आतंकी साउथ कश्मीर में रेलवे ट्रैक को निशाना बना सकते हैं। आतंकी की प्लानिंग रेलवे को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। माफ कीजिएगा, कोलकाता में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर मैराथन में शामिल हुए। गाजियाबाद जिला कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। आरोप है कि किसी बात पर बहस होने के बाद वकीलों ने जिला जज की तरफ कुर्सियां फेंक दी। जिला जज ने पुलिस को हंगामे की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने बवाल कर रहे वकीलों को लाठीचार्ज कर कोर्ट परिसर से खदेड़ दिया, जिससे गुस्साए वकीलों ने कोर्ट परिसर में बनी पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की। बैग विवाद को लेकर कथावाचक जया किशोरी ने चुप्पी तोड़ दी है। जया किशोरी का कहना है कि उनके बैग में लेदर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उन्होंने स्पेशल ऑर्डर पर बैग बनवाया। उन्होंने खुद को ट्रोल करने वालों पर सनातन को टारगेट करने का आरोप लगाया। दरअसल कुछ दिनों पहले जया किशोरी एयरपोर्ट पर एक ब्रांडेड बैग के साथ नजर आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे थे कि जया किशोरी एक मशहूर ब्रांड का लेदर बैग इस्तेमाल करती हैं, जिसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि लेबनन में उसने अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं और अब इजराइल सरकार लेबनन में चल रहे संघर्ष का राजनीतिक हल खोज सकती है, ताकि इस युद्ध का अंत हो सके। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसने लेबनन में हिजबुल्ला के सारे आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया है और उसके हथियार बर्बाद कर दिए हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी ने लगाया हिंदुत्व का फोर्थ गियर, योगी हेमंता के बाद नया हिंदू वॉरियर कौन आया है। मुस्लिम वोट के लिए बिछ गए इंडी वाले, मोदी योगी हिंदू को जगाने में क्यों जुटे हैं। छत्रपति शिवाजी की धरती, बाला साहेब की विरासत, लेकिन उद्धव का काम मोदी को क्यों करना पड़ रहा है। और मुगलों के खिलाफ शिवाजी महाराज का वो इतिहास जो हर हिंदू को देखना चाहिए, आज सबसे पहले इसका चल। कांग्रेस और विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो देश आज से नहीं दशकों से देख रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें जाति जाति का जो तड़का लगाया, उसने नरेंद्र मोदी के कान खड़े कर दिए। पीएम मोदी को समझ आ चुका है कि मुसलमान का बल्क में वोट लो और हिंदू को तोड़कर वोट ले लो वाला एक सियासी कॉकटेल बनाने का प्रयास हो रहा है इस देश में, जो आखिरकार देश के लिए ही बहुत घातक साबित होगा।
और इसलिए पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही हिंदुत्व का चौथा गियर लगा रखा है बॉस। हिंदुओं को जगाने और उन्हें यह समझाने का काम कि बटोगे तो कटोगे अब फुल स्पीड से हो रहा है, और यह काम मोदी और योगी सिर्फ नहीं कर रहे बल्कि मोदी के नए हिंदू वॉरियर्स भी कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र में चुनावी पारा सातवें आसमान पर है। बाला साहब ठाकरे के वारिस जो काम नहीं कर रहे वो काम वहां बीजेपी कर रही है, वो काम वहां नरेंद्र मोदी के नए वॉरियर्स कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव की लाइन लेंथ सेट कर दी है और देवेंद्र फडणवीस आजकल नए अवतार में दिख रहे हैं। वो वैसे ही तेवर के साथ बात कर रहे हैं जो तेवर योगी आदित्यनाथ के होते हैं। जैसे योगी बिना लाग लपेट खुलकर हिंदुत्व पर बोलते हैं, वैसे ही फडणवीस आजकल महाराष्ट्र में बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के जरिए मोदी योगी महाराष्ट्र में हिंदुत्व की नई लकीर खींच रहे हैं। फडणवीस हिंदुओं को एकजुट करने के लिए याद दिला रहे हैं कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की धरती है, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए अपने प्राण तक दे दिए थे। यह सब बीजेपी को महाराष्ट्र में क्यों करना पड़ रहा है? क्यों बीजेपी हिंदुत्व के लिए चौथा गियर लगाकर हिंदुओं को जगाने का इतना अथक प्रयास कर रही है, यह आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक बार पहले आप महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बने देवेंद्र फडणवीस को सुनिए, वो आजकल कैसे फायर मोड में हिंदुओं को जगा रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को यह करना पड़ क्यों रहा है। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो, अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। देवेंद्र फडणवीस खुलकर कह रहे हैं भगवा लहराएगा हिंदुस्तान पर। देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब का इतिहास याद दिला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के लोगों को इतिहास क्यों याद दिला रहे हैं, ये इतिहास क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फडणवीस लोगों को इतिहास इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि लोग इस बात को भूलकर जातियों में बंटकर वोट कर रहे हैं और उन लोगों के जाल में फंस गए हैं जो लोग जातियों में बांटने की राजनीति करते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में ही पीएम मोदी ने कहा था कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मोदी की इस बात के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में जुट गई। इसी में फडणवीस हिंदू समाज को जगाने के लिए हिंदुत्व के नए योद्धा बनकर सामने आए हैं और खुलकर हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को यह बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वो इंडी गठबंधन का चुनाव में खुल्लम खुल्ला खेल देख रहे हैं बॉस। इंडी गठबंधन ने हिंदू वोटों को बांटने और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का फॉर्मूला अपना लिया है। इंडी गठबंधन को इस फॉर्मूले से लोकसभा चुनाव में कुछ कामयाबी मिली थी और वो नरेंद्र मोदी की कुछ सीटें घटाने में कामयाब हो गए। खास तौर पर महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को इसी फॉर्मूले से बड़ा फायदा हुआ जब लोकसभा की 48 में से 30 सीटें जीत ली गई। इंडी गठबंधन की महाराष्ट्र में जीत के पीछे मुस्लिम वोटों की ज्यादा वोटिंग और एकतरफा वोटिंग के साथ साथ हिंदू वोटों का बिखराव मुख्य वजह था। अब बीजेपी ने इसकी काट के लिए इंडी गठबंधन का फॉर्मूला उसी पर आजमा लिया क्योंकि इंडी गठबंधन वोट जिहाद की बात करता है तो बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। इंडी गठबंधन मुस्लिम वोटर्स को मोदी योगी के नाम से डराता है तो बीजेपी ने हिंदू वोटर्स को बताया कि जातियों से बटने से दूसरे ही फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी यह बातें इसलिए कर रही है क्योंकि आप महाराष्ट्र में अगर वोटिंग पैटर्न देखेंगे कैसे हिंदू जातियों में बटकर वोट दे रहा है और कैसे मुस्लिम वोट बल्क में वोट कर रहा है, आज आपको ये कुछ फैक्ट्स के साथ बताता हूं। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में वोटिंग पैटर्न देखेंगे लोकसभा चुनाव का, ये आपको दिखाता हूं, जरा इसको देखिए, महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र का आपको वोटिंग पैटर्न दिखा रहा हूं कि क्या पैटर्न दिखता है, जरा इसको आप देखिए, और ये लोकसभा का दिखा रहा हूं, लोकसभा अभी जो गया है।
अपर कास्ट अगर आप देखेंगे, अपर कास्ट उसका वोट किसको कितना पड़ा भाई, एनडीए को कितना पड़ा? एनडीए को अपर कास्ट ने 58% अपर कास्ट ने वोट किया, लेकिन इंडी गठबंधन को 38%। ये लोकसभा का आपको बता रहा हूं, ऊंची जातियों। मराठा का वोट किधर गया भाई? अगर आप मराठा वोट बैंक को देखेंगे, एनडीए को गया 46% और इंडी गठबंधन को गया 39%। यहां भी एनडीए आगे। ओबीसी का वोट किसको गया भाई लोकसभा चुनाव में? ओबीसी का वोट भी एनडीए को गया 50% और इंडी गठबंधन को गया 39%। यानी अगर आप यहां भी देखेंगे तो दोनों के बीच में एनडीए को ही बढ़त दिखती है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप देखेंगे दलित का वोट किसको गया, दलित का वोट अगर आप देखेंगे तो यहां एनडीए 35% पर है और जो इंडी अलायंस है वो 46% पे रहा था लोकसभा चुनाव में। आदिवासी का वोट किसको गया? आदिवासी का वोट अगर आप देखेंगे, आदिवासी का वोट एनडीए को 35% गया और इंडी गठबंधन को 55% गया। आप देखेंगे कि ओबीसी, दलित, आदिवासी, अपर कास्ट में से किसी वर्ग ने भी एक तरफा वोटिंग नहीं की है। सब आप देख रहे हैं, सब मिला जुला के बटाओ, 35-55, 35-46, 50-39 ऐसा मामला है। लेकिन मुस्लिम वोटरों का पैटर्न इससे बिल्कुल अलग है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों ने कैसे एकमुश्त इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट किया, अब आपको इसका आंकड़ा दिखाता हूं। यह तो आपने देख लिया, अब जरा देखिए, अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों ने लोकसभा चुनाव में कैसे वोट किया था, यह देखिए मुस्लिम वोट, उसका आंकड़ा अब आप देखिए। मुस्लिम वोट एनडीए को कितना गया बॉस? एनडीए को गया मात्र 12% और इंडी अलायंस को मुस्लिम वोट गया 74%। तो बॉस ये एक तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है कि क्या पैटर्न लेकर इंडी गठबंधन चल रहा है, कि हिंदुओं का जो वोट है उसको तोड़ दो, 58-38, 46-39, 50-39, कहीं एक मुश्त वोट नहीं गया है। लेकिन मुसलमान का वोट आप देखिए, इंडी अलायंस 74 और एनडीए 12, अंतर देख रहे हैं 62% का अंतर है। वो भी तब जब एनडीए में अजीत पवार वाली एनसीपी थी, जिसको मुसलमान थोड़ा तो वोट भी करता है, तब भी जाकर 12% से ज्यादा वोट एनडीए को नहीं पड़ा लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए उनकी एक तरफा वोटिंग किसी भी कड़े मुकाबले में गेम पलट सकती है। महाराष्ट्र की आबादी 11,24,00,000 है। इस आबादी में 1,30,00,000 मुसलमान है, जो महाराष्ट्र की कुल आबादी का 11.5% है। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में 38 सीटें ऐसी हैं जिसमें 20% से ज्यादा मुसलमान है। इनमें भी 9 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुसलमान है। करीब 15 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम है। मुस्लिम वोटों को इसी तरह से एकजुट रखने और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने और एक तरफा वोटिंग करने के लिए इंडी गठबंधन जो भी कर सकता है वो कर रहा है। जैसे आप देखिए कि एनसीपी शरद पवार गुट जो है, वो दोनों नेताओं के दोनों नेता आपस में भिड़ने का एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हो रहा है। ये वीडियो एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ और पार्टी के अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख के बीच के झगड़े का है। ये झगड़ा मैनिफेस्टो में फोटो न लगने को लेकर हुआ। वीडियो में जितेंद्र आवाड़ में ने यूनुस शेख के सामने खुद की गलती मानी, यूनुस खान को यूनुस शेख को शांत करने की कोशिश करते दिखे। आप देखिए कैसे जो जितेंद्र आवाड़ हैं वो एक तरह से हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई माफ कर दो। देखिए सुनिए क्या हुआ है। इस वीडियो में जितेंद्र आवाड़ इसलिए डिफेंसिव मोड में थे क्योंकि वो मुंब्रा कलवा विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल है और जितेंद्र आवाड़ को ये डर होगा कि कहीं पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज हो गए तो चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोट एक तरफा पड़े थे वो कहीं छिटक न जाए। इंडी गठबंधन को एक एक मुस्लिम वोट को समेटने का प्रयास करते देखा जा सकता है। उसे पता है कि ये एक एक वोट उनके लिए कितना कीमती है।
क्योंकि भाई सब जगह तो ऊपर नीचे 10-20%, 5%, 2% का फर्क रहेगा। मुस्लिम वोट 1% एक तरफा मिल गया तो गेम हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हार गए, और देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके की वजह मुस्लिम वोटों की एक तरफा वोटिंग थी। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में 14 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी वोट जिहाद की वजह से हार गई। देवेंद्र फडणवीस ने धुले लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि धुले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवार 1,90,000 वोट से आगे चल रहे थे, लेकिन धुले की मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट पर मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर मतदान किया जिससे बीजेपी के उम्मीदवार सिर्फ 4,000 के वोट के अंतर से हार गए। फडणवीस ने कहा कि इससे दूसरे समुदाय के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, उन्हें विश्वास हो गया है कि वो कम संख्या में भी हैं तो भी हिंदुत्व को हरा सकते हैं। फडणवीस ने दावा किया कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया। फडणवीस का कहना है कि एक तरफा वोटिंग का मकसद मोदी को हटाना था, लेकिन इस बार यह वोट जिहाद काम नहीं करेगा। देवेंद्र फडणवीस जिस धुले लोकसभा सीट का जिक्र कर रहे हैं वहां से कांग्रेस की डॉक्टर शोभा दिनेश बच्चव ने चुनाव जीता। बीजेपी से दो बार के सांसद सुभाष रामराव भामरे हार गए। अगर आप धुले लोकसभा सीट पर वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बीजेपी के सुभाष रामराव कैसे जीतते जीतते हार गए। यह अपने आप में केस स्टडी है बॉस। क्यों बीजेपी को हिंदुओं से कहना पड़ रहा है कि मत बटो, कैसे मुसलमान वोट एक तरफा वोट पड़ता है। आज आपको इसका उदाहरण देता हूं जो देवेंद्र फडणवीस बता रहे थे। इसको आप देखिए, लोकसभा में धुले की अगर आप सीट देखेंगे, ये धुले लोकसभा की सीट है। इसमें क्या हुआ, इतना इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप देखेंगे बहुत कमाल की चीज है ये। इस धुले लोकसभा सीट में 6 विधानसभाएं आती हैं। 6 विधानसभा सीट को अगर आप मिला देंगे तो धुले की लोकसभा सीट बनती है ये वाली। अब इसमें जरा देखिए, जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो क्या क्या हुआ, जरा इसको आप देखिए। अब आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस, ये दो खाने बना देता हूं। अब जरा देखिए कैसे कैसे, पहले धुले ग्रामीण, धुले रूरल ग्रामीण, इसमें जब ईवीएम खुलना शुरू हुआ तो बीजेपी को कितने वोट मिले, बीजेपी को मिले 1,39,721 वोट, और कांग्रेस को कितने मिल रहे थे, 75,923 वोट। ठीक है भाई। इसके बाद अगली विधानसभा का मामला खुला, सिंधखेड़ा। यहां क्या हुआ जरा इसको देखिए, सिंधखेड़ा में बीजेपी को 1,11,849 वोट, कांग्रेस को 68,424 वोट। यहां भी कांग्रेस पीछे थी। फिर आया मालेगांव बाहरी का इलाका, यहां पे क्या स्थिति थी, बीजेपी 1,27,454 वोट और कांग्रेस को कितना, 72,242 वोट। फिर आया बगलान सीट, ये एक और विधानसभा, यहां बीजेपी को कितना वोट भाई, 1,00,166 वोट और कांग्रेस को 78,253 वोट। यहां 4 विधानसभा में ईवीएम खुल चुके हैं, चारों में बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है कुछ कुछ वोटों से। फिर खुलता है धुले का सीट, धुले विधानसभा। अब जरा धुले का हाल देखिए, धुले में भी बीजेपी आगे, 93,262 वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिले, कांग्रेस को मिले 78,438 वोट। अब 6 विधानसभा वाली लोकसभा है धुले, 5 पर आप देखिए बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा है कांग्रेस से, 5 विधानसभा में। फिर कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे जीता भाई, यहां हुआ खेला आखिर में। अब जरा देखिए खेला कैसे होता है, जिसके लिए बीजेपी जो है वो कह रही है कि हिंदुओं समझो बटो मत। धुले की इन 5 सीट पर हाल देखेंगे तो इन सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले, इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष रामराव भामरे करीब 1,90,000 वोट से आगे चल रहे थे जब तक 5 विधानसभा की काउंटिंग हुई। लेकिन जब धुले लोकसभा की मालेगांव सेंट्रल सीट के वोटों की गिनती हुई, अब जरा देखिए मालेगांव सेंट्रल में क्या हुआ, इस एक विधानसभा ने पूरा गेम पलट दिया। मालेगांव सेंट्रल सीट पर बीजेपी को कितना वोट मिला और कांग्रेस को कितना, सुनिए जरा, बीजेपी को मिला 4,542 वोट, मात्र 4,542 वोट,
और कांग्रेस को सिर्फ एक विधानसभा में 1,98,869 वोट बॉस, 1,98,869। आपने कभी किसी विधानसभा में ऐसी एक तरफा वोटिंग नहीं देखी होगी। 5 विधानसभा में बीजेपी आगे, 6ठे में भाई, और यहां देखिए अंतर, आप देखिए कितने कितने का, और यहां अंतर देखिए 4,000 और कहां 2,00,000 के करीब वोट। मालेगांव सेंट्रल में मुस्लिम आबादी है 78.4%। यही बीजेपी कह रही है कि बॉस मुसलमान इंडी अलायंस के लिए एक तरफा बल्क में वोटिंग कर रहा है और हिंदू को बांटकर उससे वोट लिया जा रहा है। इसलिए यह पूरा चुनावी सियासी खेल जो है ना, वो हिंदुओं को बांटो और मुसलमान को जोड़ो का बना दिया गया है। एक तरफ ऐसा वोटिंग पैटर्न है और दूसरी तरफ मराठा वोट है जो इंडी गठबंधन की तरफ झुके हुए दिख रहे हैं। मुस्लिम मराठा के जोर पर इंडी गठबंधन पूरा खेल कर रहा है। मराठा वोटों का गणित यह है कि राज्य में 28 से 30% आबादी मराठा समुदाय की, राज्य में 100 से 110 सीटों पर मराठा समुदाय का प्रभाव है। राज्य में अब तक हुए 19 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा समुदाय से रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में 46% मराठा एनडीए के साथ रहे और 39% इंडी गठबंधन के साथ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन, जहां सबसे ज्यादा मराठा वोटर्स है, वहां इंडी गठबंधन को 46 में से 32 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली। इसलिए अब मराठाओं को उनकी आन बान शान याद दिलाई जा रही है, मराठी अस्मिता की बातें याद दिलाई जा रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास याद दिलाया जा रहा है। इसी पर आजकल एक वीडियो के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो उद्धव परिवार को हिंदुत्व क्या सिखाएंगे। आजकल ओवैसी और समाजवादी पार्टी उनको हिंदुत्व सिखा रही है, वो समाजवादी पार्टी जिसने हमारे कोठारी बंधुओं को गोली मार दी। आदित्य अब अबू आजमी से हिंदुत्व सीख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ठाकरे परिवार पर इसलिए भी हमला कर रहे हैं क्योंकि वही बाला साहब ठाकरे का परिवार है जिन्होंने जिंदगी भर हिंदुत्व की राजनीति की। कैसे ठाकरे परिवार बाला साहब ठाकरे की राजनीति से दूर होता जा रहा है वो भी आपको बताऊंगा। पहले बात महाराष्ट्र के उस इतिहास की जिसे बीजेपी याद दिलाकर हिंदुओं को एकजुट कर रही है, जगाने का प्रयास कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर इतना जोर इसलिए है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, जिन्होंने पूरा जीवन हिंदुत्व और हिंदू साम्राज्य की स्थापना को समर्पित किया। शिवाजी महाराज जो जिंदगी भर मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे, मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू साम्राज्य की बात कभी बाल ठाकरे की शिवसेना किया करती थी, लेकिन आज की तारीख में उद्धव ठाकरे अपने पिता की राज से अलग राजनीति करते दिखते हैं। दूसरी तरफ अब बीजेपी शिवाजी महाराज के हिंदुत्व को नया उभार दे रही है और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपको विस्तार से बताऊं कि कैसे अटैकिंग मोड में हिंदुत्व की बात बीजेपी कर रही है। ऐसे माहौल में शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में कुछ बात करना जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज का महाराज एक दूसरे के पूरक है। आपको आज बताऊंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज और उनकी विचारधारा कितनी महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज को हिंदू राज स्थापित करने के में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को थाली में सजाकर हिंदू साम्राज्य नहीं मिला था। आप देखिए कि शिवाजी महाराज के पैदा होने से पहले क्या हालात थे। शिवाजी के जन्म के समय मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक ही सीमित था, खासतौर पर आज के मुंबई और गोवा के आसपास का शासन। 1646 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता की सेहत खराब हो गई। शिवाजी महाराज ने पहली बार सेना की जिम्मेदारी संभाली। इस समय तक यानी 1646 तक मराठा साम्राज्य चारों तरफ से मुगलों से घिर चुका था। उधर इसी समय यानी 1646 में मुगल सल्तनत की कमान शाहजहां के हाथ में थी और वो मराठा साम्राज्य को खत्म करना चाहता था। मराठा साम्राज्य को खत्म करने की जिम्मेदारी शाहजहां ने आदिल शाह जैसे खतरनाक सेनापति को दी। आदिल शाह का कब्जा मराठा साम्राज्य के आसपास के इलाकों पर हो गया था और वो वहीं रहता था। चारों तरफ से मुगलों से घिरे होने के बाद भी शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य को बढ़ाने और स्वराज के संकल्प से पीछे नहीं हटे। उस समय शिवाजी महाराज की उम्र सिर्फ 19 साल की थी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि साल 1646 में 19 साल की उम्र में ही शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों के कब्जे से बीजापुर का तोरण किला छीन लिया। उसी साल शिवाजी महाराज ने राजगढ़ में एक नया किला बनवा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के कब्जे से कोंढाणा का किला भी जीत लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 19 साल की उम्र में ही मुगलों के कब्जे से 8 किलोमीटर का इलाका छीन लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय मुगलों की अरबों रुपए की संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया था।
1646 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ जो अभियान शुरू किया उससे मुगलों में खलबली मच गई। मुगलों ने एक साजिश के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज पर पलटवार किया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के आदेश पर शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज को छल से बंदी बनाया गया। शिवाजी महाराज ने मुगलों से एक संधि के तहत शाहजी महाराज को रिहा करा लिया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज 1649 से 1655 तक शांत रहे और मुगलों से युद्ध नहीं किया। हालांकि इस दौरान शिवाजी महाराज अपनी ताकत बढ़ाते रहे और हिंदू राजाओं को एकजुट करते रहे। साल 1655 के बाद मुगल शहजादे औरंगजेब ने मराठों पर फिर से हमले की योजना बनानी शुरू की। मराठों पर हमले के लिए औरंगजेब ने शाहजहां के करीबी आदिल शाह से बात की। मुगलों की इस योजना के बारे में शिवाजी महाराज को पता चला और उन्होंने अपनी योजना बनाई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने पूरी योजना के साथ मुगलों के कब्जे वाले मुख्य शहरों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। एक साल के अंदर शिवाजी महाराज की सेना ने अहमदनगर और जुन्नार पर कब्जा कर लिया। इन दोनों शहरों से मुगलों को मोटा राजस्व मिलता था और यह शहर मुगलों के प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद शिवाजी महाराज की सेना पुणे पर हमला करती दिखी और सैकड़ों घोड़े करोड़ों की संपत्ति जीत ली। छत्रपति शिवाजी महाराज के लगातार हमलों से मुगल साम्राज्य में हड़कंप मच चुका था। उस समय तक औरंगजेब मुगल बादशाह बन चुका था और औरंगजेब को समझ नहीं आ रहा था कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज को किस तरह रोका जाए। 1657 में शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी जैसे अमीर शहरों पर भी कब्जा कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी को अपनी नौसेना का बेस बना लिया। 1659 में शिवाजी महाराज ने मुगलों को बड़ा झटका देते हुए बीजापुर भी जीत लिया। औरंगजेब एकदम अलबला गया, परेशान हो गया। वो अपने सेनापतियों पर गुस्सा निकालने लगा कि कर क्या रहे हो तुम लोग। 2 साल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की नाक के नीचे मराठा साम्राज्य का पूरा विस्तार कर दिया। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत बढ़ रही थी। वो मुगलों के कब्जे से इलाके पे इलाके छीनते जा रहे थे, जीतते जा रहे थे और औरंगजेब को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे 30 साल का एक योद्धा 130 साल पुराने मुगल साम्राज्य की जड़ें खोद रहा है। 1659 से लेकर 1666 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की मुगल सेना को कई बार मात दी, मुगलों के कब्जे से कई इलाके छीन लिए। इसी बीच औरंगजेब को जब भी मौका मिला उसने महाराष्ट्र और आसपास के मंदिरों में तोड़फोड़ की, मंदिरों को लूटा और मराठी लोगों पर अत्याचार किए, महिलाओं को बंदी बनाया। औरंगजेब ने लाख कोशिश की लेकिन वो शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं पाए। आखिरकार औरंगजेब ने 1666 में आगरा में छल से छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत दिन तक औरंगजेब की कैद में नहीं रहे। अपनी बुद्धि और शौर्य के दम पर वो आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहे। औरंगजेब की कैद से निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने बदला लेना शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा सेना को फिर से मजबूत बनाना शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 4 साल तक मराठा साम्राज्य को मजबूत किया और योजना बनाई। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक एक कर मुगलों के अधिकार वाले शहरों को जीतना शुरू किया। साल 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को मुगलों से छीन लिया, जो मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसी साल छत्रपति शिवाजी महाराज ने ढिंडोरी में मुगल सेनापति दाऊद खान को हराया। 1671 से 1672 के बीच कई मुगल सेनापतियों को हराया और मुगल इलाके जीत लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1672 के बाद भी मुगलों पर हमले जारी रखे लेकिन उनकी सेहत खराब होने लगी थी और 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। लेकिन शिवाजी महाराज ने जो मजबूत नींव रखी उस पर मराठा साम्राज्य उनके बाद भी आगे बढ़ता रहा। आपको 2 मैप दिखाता हूं कि कैसे शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इस मैप में साल 1630 का मराठा साम्राज्य आपको दिख रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में हुआ था। इस समय मराठा साम्राज्य बहुत सीमित था, तेलंगाना के कुछ इलाकों तक ही फैला था। लेकिन शिवाजी महाराज ने 1672 तक मराठा साम्राज्य का जो विस्तार किया मुगलों को हरा हरा कर, अब जरा उसकी तस्वीर दिखाइए। शिवाजी महाराज के निधन के बाद भी मराठों ने मुगलों के खिलाफ अभियान जारी रखा और 1760 आते आते यह स्थिति बन गई कि मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य से भी बड़ा हो गया। आप खुद मैप में देखिए, लगभग पूरे भारत में फैल गया। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज और आज महाराष्ट्र में उनकी विरासत, वो धरती जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए एक उदाहरण रही है, एक मिसाल रही है, वहां आज हिंदुओं को जगाने का प्रयास हो रहा है कि जिसको वोट देना है दो, लेकिन कम से कम जाति के नाम पे बट के तो मत दो।
छत्रपति शिवाजी महाराज की महान विरासत और हिंदुत्ववादी सोच को ही बाल ठाकरे ने अपनी राजनीति का आधार बनाया था। बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत मराठा राजनीति से ही की थी। मराठी मानुष के नाम पर पब्लिक को एकजुट किया था, धीरे धीरे हिंदुत्व की राजनीति पर स्विच किया। आज भी बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, लेकिन बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विरासत को पूरी तरह से बदल दिया। आप देखिए कैसे उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को किनारे करके मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं। इसी साल फरवरी में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय शिवसेना के साथ आ रहा है, क्योंकि उनका हिंदुत्व का ब्रांड बीजेपी के हिंदुत्व के ब्रांड से अलग है। हमारा हिंदुत्व घरों में चूल्हा जलाने का काम करता है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व घरों को जलाने का काम करता है। उद्धव ठाकरे ने वक्फ की संपत्तियों पर कहा था कि किसी को वक्फ प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाने देंगे। मुस्लिम मतदाताओं में उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में शिवसेना का स्वरूप और हिंदुत्व वाली लाइन दोनों बदल रहे हैं। जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि उद्धव ने मुस्लिम तुष्टिकरण में कांग्रेस तक को पीछे छोड़ दिया है, जबकि बाल ठाकरे की सोच मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की नहीं थी, मुसलमानों पर राजनीति करने वालों को लेकर बिल्कुल अलग थी बाला साहब ठाकरे की सोच। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बाला साहब ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सेक्युलर बड़े ढोंगी लोग होते हैं, मुसलमानों से मतदान का अधिकार ले लेना चाहिए, एक भी सेक्युलर इस पर आंसू नहीं बहाएगा, ये लोग मुसलमानों से नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक से प्यार करते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, फिर भी हुकूमत मुसलमानों की चलती है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो मुसलमान यहां है वो एक नागरिक की हैसियत से यहां रह सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से प्यार करना ये नहीं चलेगा, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्या हिंदुओं की पाकिस्तान में कुछ चलती है? ये बाला साहब ठाकरे थे जो इस बात की पुरजोर वकालत करते थे कि भारत में जो रहे वो भारत की बात करे। उनकी बातों से किसे बुरा लगेगा, कौन नाराज होगा, ये सब बाला साहब ठाकरे नहीं सोचते थे। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था हिंदू और हिंदुत्व। बाला साहब ठाकरे वो नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। अपनी शानदार भाषण शैली, धारदार बयानों और मराठी मानुष की आवाज उठाकर बाल ठाकरे तेजी से लोकप्रिय होते चले गए। आपको बताता हूं कि बाला साहब ठाकरे ने कैसे अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। पत्रकार वैभव पुरंदरे अपनी किताब बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ शिवसेना में लिखते हैं कि 60 के दशक में मुंबई के ज्यादातर बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कंट्रोल था, छोटे कारोबार पर दक्षिण भारतीय और मुसलमानों का दबदबा था। मराठी लोगों के लिए मुंबई में काम धंधे की गुंजाइश ही बहुत कम बची थी। बाल ठाकरे ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और मराठी मानुष के हक के लिए आवाज उठाने लगे। 19 जून 1966 में बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में शिवसेना का गठन किया। बाल ठाकरे ने शिवसेना के घोषणा पत्र में दक्षिण भारतीय लोगों की जगह मराठी लोगों को नौकरी देने की बात कही। बाल ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया। बाल ठाकरे अपनी आक्रामक राजनीति की वजह से तेजी से आगे बढ़ते चले गए। शिवसेना बनने के 4 साल, शिवसेना का पहला विधायक चुन लिया गया था 4 साल में। 1967 तक शिवसेना की स्थिति महाराष्ट्र में मजबूत हो चुकी थी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनावों में शिवसेना को सफलता मिलने लगी थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए इतना काफी नहीं था। 80 के दशक में बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुष के साथ कट्टर हिंदुत्व विचारधारा को मिक्स कर दिया और इसका फायदा बाला साहब ठाकरे को मिला। 1987 में विले पार्ले सीट पर हुए उपचुनाव में बाल ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। बाल ठाकरे ने नारा दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बाल ठाकरे उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रमेश यशवंत प्रभु का समर्थन कर रहे थे। बाल ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पर जमकर प्रचार किया, वोट मांगे। इसी वजह से चुनाव आयोग ने बाल ठाकरे से 6 साल के लिए वोटिंग अधिकार तक छीन लिया। विलय पार्ले उपचुनाव में शिवसेना समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिल गई। उपचुनाव से पहले विलय पार्ले की सीट कांग्रेस के पास थी। उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका डाली और भड़काऊ भाषण का आरोप लगाकर चुनाव रद्द करने की मांग की। लंबी सुनवाई के बाद 1989 में हाईकोर्ट ने विलय पार्ले उपचुनाव रद्द कर दिया, लेकिन बाल ठाकरे के लिए चुनाव हिंदुत्व का टेस्ट साबित हुआ, जिसमें बाल ठाकरे पास हो गए और उसी के बाद से बाल ठाकरे हार्डकोर हिंदुत्व की बात करने लगे। बाल ठाकरे वो नेता थे जो बिना संकोच हिंदुओं की बात करते थे, कोई डर नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सीना ठोक कर हिंदुत्व की राजनीति करते थे बाला साहब ठाकरे। आपको 2 घटनाओं के बारे में बताता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि बाल ठाकरे की सोच क्या थी। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया, जिसके बाद देश में कई जगहों पर हिंसा हुई, मुंबई में भी दंगे हुए, कई लोगों की जान गई।
बाल ठाकरे पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा। 1992 के मुंबई दंगों के पर बाद में फिल्म भी बनी। फिल्म में बाल ठाकरे का किरदार दंगों पर खेद जताता है। इस पर बाल ठाकरे ने कहा था कि ठाकरे के कैरेक्टर का दंगों पर दुख प्रकट करना बुरा लगा। मैं किसी बात पर दुख नहीं प्रकट करता। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बारे में बाल ठाकरे ने से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या विवादित ढांचा गिराने में शिवसेना का हाथ था। इस पर बाल ठाकरे ने कहा कि हाथ नहीं, पांव था। ये थे बाला साहब ठाकरे, और यही बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हिंदुत्व की राजनीति करते थे, वो आज उद्धव ठाकरे की राजनीति से मिसिंग है। और उन पर आरोप है कि सिर्फ कुर्सी के लिए उन्होंने अपनी विरासत को त्याग दिया, और आज उस विरासत को नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस फिर से जगा रहे हैं, फिर से लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व का एकजुट होना कितना जरूरी है। पाठशाला में अगली क्लास, सलमान पप्पू जिशान के बाद अब 10 साल के अभिनव को भी लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिली है। क्या इसका सच क्या है? लॉरेंस बिश्नोई का वो काम जिसने सलमान खान की रातों की नींद उड़ा दी है, अब इसका चर्चा। लॉरेंस बिश्नोई के नाम ने तो पूरे देश में गदर मचा दिया। जहां कहीं भी देखो यही सुनने में आता है कि लॉरेंस के नाम पर किसी ने फोन पर धमका दिया, किसी ने मैसेज करके धमकाया, कहीं लॉरेंस का कोई आदमी निकला, कोई खुद को लॉरेंस का आदमी बता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकियों की बाढ़ आ चुकी है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 2 बार धमकी मिल चुकी है। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं कहा जा रहा है। सलमान खान के करीबी और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी 2 बार धमकी मिली है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का तो लॉरेंस से मिली धमकी के बाद ऐसा हाल है कि जो पप्पू यादव लॉरेंस को 2% का अपराधी बता रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। इसी तरह से स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिल चुकी है। पुलिस जांच में जुटी है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है, खुद को बाल संत बताने वाले 10 साल के अभिनव अरोड़ा का। अभिनव अरोड़ा के परिवार ने भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का दावा कर दिया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। जाहिर है कि यह लॉरेंस बिश्नोई का खौफ ही है जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। जो लॉरेंस बिश्नोई खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, उसके नाम पर धमकी मिलने की बातें हो रही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जिसे सबसे ज्यादा धमकी मिली है, जिसे सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, वो हाई प्रोफाइल नाम सलमान खान का है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान को 2 बार डायरेक्ट धमकी मिल चुकी है। हालांकि दोनों बार पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान को धमकी मिलने का सबसे ताजा मामला 25 अक्टूबर का है। 25 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में जिशान सिद्दीकी के पब्लिक रिलेशन ऑफिस में कॉल करके सलमान खान को धमकी गई। इस कॉल में फिरौती नहीं मिलने पर सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की बात हुई। इस मामले में जिशान सिद्दीकी के दफ्तर की तरफ से शिकायत की गई और पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आज मुंबई पुलिस ने धमकी देने के आरोपी गुरफान खान को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। आगे की पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है। पूछताछ में आरोपी ने सलमान और जिशान सिद्दीकी को धमकी देने की बात कबूल भी कर ली। आरोपी गुरफान खान मूल रूप से यूपी के बरेली का रहने वाला है और अभी दिल्ली के ज्योति नगर में अपने चाचा के पास रहता है। पुलिस ने आरोपी गुरफान खान के उस मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है जिससे उसने सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को धमकी दी थी। हालांकि आरोपी इस बात का सही जवाब नहीं दे पाया कि आखिर उसने सलमान और जिशान को धमकी दी क्यों। मुंबई पुलिस आरोपी को मुंबई लेकर गई है ताकि उसके लॉरेंस गैंग से किसी भी तरह के कनेक्शन की पूरी पड़ताल हो सके और धमकी की वजह का भी पता चल सके। इससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या के 6 दिन बाद यानी 18 अक्टूबर को सलमान खान को 5 करोड़ की फिरौती के लिए भी धमकी आई थी। आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फिरौती मांगी थी और खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताया था। आरोपी ने मैसेज में लिखा था, इसे हल्के में मत लो, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। हालांकि इस मामले में भी मुंबई पुलिस धमकी देने के आरोपी शेख मोहसिन को झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार कर चुकी। धमकी देने वाला यह आदमी सब्जी की दुकान चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिस तरह सलमान खान और उनसे जुड़े लोगों को धमकियां मिल रही हैं, या धमकियों की एक तरह से कहिए बाढ़ आ गई है, उससे खबर है कि सलमान खान की रातों की नींद उड़ चुकी है। सलमान खान के करीबी और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान आज भी उनके पिता की हत्या से दुखी है। वो अक्सर उन्हें याद करते हैं और परिवार से बात कर उनका हालचाल लेते हैं। सलमान खान के लिए सोना मुश्किल हो गया है।
जिशान सिद्दीकी ने आगे बताया कि सलमान खान कहते हैं कि वो रात को सो नहीं पा रहे। जब से सलमान खान के करीबी माने जाने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तब से अटकलें भी लग रही हैं कि लॉरेंस गैंग सलमान खान तक पहुंचने में जुटा है, और सलमान तक पहुंचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना चाहता है, जिसके लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के करीबियों को नुकसान पहुंचाकर उनके मन में खौफ पैदा करना चाहता है। सलमान खान के लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर आने की सबसे बड़ी वजह काले हिरण के शिकार को माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान खान को काला हिरण शिकार केस से बाहर निकलवाया था, और इस केस में सभी कानूनी अड़चनों के दौरान बाबा सिद्दीकी सलमान खान के साथ खड़े रहे थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पहले 2 सितंबर को कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली थी। दरअसल एपी ढिल्लों ने सलमान खान के साथ मिलकर फ्री में एक म्यूजिक वीडियो बनाया था। इसलिए एक थ्योरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि आने वाले दिनों में सलमान के कुछ और करीबी लोगों को भी यह गैंग टारगेट कर सकता है, क्योंकि जिस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, उसकी वजह से सलमान खान तक पहुंचना लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स के लिए फिलहाल तो आसान नहीं होगा। इसलिए सलमान के करीबियों पर खतरा बढ़ गया है। सलमान खान के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने वाली इस थ्योरी के लिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड में टारगेट किलिंग के पुराने पैटर्न का हवाला दिया जा रहा है। जैसे पहला केस साल 1992 का है, उस दौर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद तक लोगों की पहुंच आसान नहीं थी। ऐसे में गैंगस्टर अरुण गवली ने दाऊद को डराने के लिए उसके बहनोई और हसीना पार्कर के पति इब्राहिम पार्कर को मरवा दिया। दाऊद के दुबई भागने के बाद से इब्राहिम पार्कर ही मुंबई में डी कंपनी का कारोबार देखता था। इसी तरह का केस साल 1981 का है। पठान गैंग भी दाऊद को मरवाना चाहता था, लेकिन जब यह गैंग दाऊद को नहीं मार सका तो उसके बड़े भाई शब्बीर को मरवा दिया। लॉरेंस गैंग की तरफ से आई धमकियों की बाढ़ के बीच बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और पर्दाफाश हुआ। पिछले दिनों लुधियाना से गिरफ्तार किए गए सुजीत सिंह से पूछताछ के बाद पुलिस ने दावा किया कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सुजीत से संपर्क साधा था, और अनमोल बिश्नोई ने ही हत्या की साजिश रची थी। अनमोल बिश्नोई ने पुर्तगाल से वर्चुअल आईडी के जरिए सुजीत से संपर्क किया। आरोप है कि इस हत्या के लिए हथियार का इंतजाम और फंडिंग अनमोल बिश्नोई ने ही करवाई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक अनमोल बिश्नोई पुर्तगाल से वर्चुअल आईडी +351 का इस्तेमाल कर सुजीत से बातचीत करता था। अनमोल ने सुजीत के 2 सहयोगियों शुभम लोंगकर और जिशान अख्तर के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग करने के लिए कहा। शुभम लोंगकर वही शख्स है जिसने फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जांच में पता चला कि सुजीत लंबे समय से जिशान अख्तर के संपर्क में था। सुजीत ने अपनी असली पहचान छुपाकर खुद को बब्बू सिंह के नाम से अपने साथियों के सामने इंट्रोड्यूस कराया था। सुजीत ने इन सभी को हत्या की साजिश में शामिल किया और बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी भी करवाई, और फिर 12 अक्टूबर को दशहरे की रात मुंबई में लॉरेंस के गुर्गों ने बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। अब तक ना तो शुभम लोंगकर की गिरफ्तारी हुई है और ना ही जिशान अख्तर की। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के ये दोनों आरोपी फरार हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इन्हें तलाश रही, लेकिन हैरानी की बात है कि इन सब के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कहा जाता है कि 700 शूटर्स हैं। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने शूटर्स का जो नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो गैंग खड़ा कर लिया है, उसके लिए लॉरेंस ने कड़े नियम भी बनाए हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नियम और कानूनों के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई का कोड नेम गुरुजी है, जो उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने रखा था। लॉरेंस बिश्नोई जेल में अन्न का सेवन भी नहीं करता, मौन व्रत रखता है। लॉरेंस हनुमान जी की पूजा करता है और रोजाना सूर्य नमस्कार भी करता है। लॉरेंस बिश्नोई के 3 मुख्य नियम है, शादी नहीं करनी है, शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना। लॉरेंस बिश्नोई खुद ब्रह्मचर्य का पालन करता है और गैंग को भी इसका पालन करने के लिए कहता है। लॉरेंस बिश्नोई का मानना है कि बीवी या गर्लफ्रेंड होने से शूटर्स इमोशनल होकर कमजोर हो जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई किसी शूटर के पकड़े जाने या फिर मारे जाने पर परिवार का पूरा खर्च भी उठाता है उसके। लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत सोच समझ कर ये नियम और अपने गैंग के लिए बनाए। इसी का नतीजा है कि उसके पास शूटर्स की कमी नहीं है, जिनके दम पर वो सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा देता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर ऐसी भी अटकलें कि उसके कई शूटर एक दूसरे को जानते तक नहीं, वो बस इशारा
मिलने पर काम को अंजाम देने में जुट जाते हैं। इन सारी वजहों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स आसानी से नहीं टूटते, और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई जिसे अपना निशाना बना लेता है उसकी हालत पतली हो जाती है। सलमान खान जो काफी पहले से लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है, वो आजकल कड़ी सुरक्षा में चल रहा है। सलमान खान ने कल ही ऐलान किया कि वो 7 दिसंबर को दुबई में परफॉर्म करेंगे। सलमान खान को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि वो बिश्नोई समाज से माफी मांगे। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सलमान को सलाह दी। राकेश टिकैत ने कहा है कि सलमान को बिश्नोई समाज के किसी भी मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो लॉरेंस बदमाश है, जेल में बंद है, पता नहीं कहां से टपकवा दे। सुनिए राकेश टिकैत ने अभी एक दो दिन पहले क्या सलाह दी थी। बिश्नोई समाज वो पर्यावरण और जीव की रक्षा करता है, उनका एक विवाद चल रहा। विवाद में ये है कि भाई जिसके खिलाफ वो हिरण मारने का केस है, उन्हें कहा कि हमारे समाज से हमारे मंदिर में कहीं पे भी जाके और सॉरी फील कर ले। अगर राड नहीं मटती हो तो भाई सॉरी फील कर लो, हो जाती है गलती चलती भी, नहीं तो यार राड चलती रहेगी, इसमें पता नहीं कौन कौन लपेटे में होगा। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियां ट्रेंड कर रही हैं, तो दूसरी तरफ हर रोज लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी नई नई जानकारियां भी सामने आ रही। अब तक दावा किया जा रहा था कि लॉरेंस के पिता पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल थे, और जेल में बंद लॉरेंस को उसका परिवार हर महीने करीब 40 लाख रुपए खर्च के लिए भेजता है। लेकिन नई मीडिया रिपोर्ट्स में इन दोनों दावों को खारिज किया गया है, और लॉरेंस बिश्नोई के परिवार से बातचीत के हवाले से दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के खानदान में कभी कोई पुलिस में था ही नहीं। उनका परिवार शुरुआत से जमींदारी करता आया, और उनके पास आज भी करीब 110 एकड़ खेती की जमीन है जिससे हर साल करीब 55 लाख रुपए की कमाई होती है। रिपोर्ट में आगे यह भी दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को बचपन से अच्छे कपड़े, महंगे जूते पहनने और घुड़सवारी का शौक था। लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार के हवाले से ये रिपोर्ट में यह भी दावा है कि काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान अगर माफी मांग लेते तो बिश्नोई समाज उन्हें माफ कर भी देता। लेकिन अब यह मामला एक माफी के चक्कर में खिंचता चला जा रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, अयोध्या में इस दिवाली ऐसा क्या पहली बार होने वाला है जो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया? भगवान श्री कृष्ण का दिवाली से क्या कनेक्शन है? धनतेरस पर सबसे बड़ा भ्रम मिटा देने वाले वो मंत्र, वो श्लोक जो आपको भी चौंका देंगे। आज धनतेरस का मांगलिक दिन है। इस शुभ अवसर को दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आज से ही देशभर में दिवाली मनाने की शुरुआत हो जाती है। आमतौर पर लोग धनतेरस को धन और संपत्ति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह त्यौहार एक दूसरे तरह के धन के लिए मनाया जाता है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अयोध्या लेकर चलता हूं, जहां इस बार अलग लेवल पर भव्य दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि पिछले 500 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अयोध्या में भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान है। इस बार सही मायनों में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य स्वागत होने वाला है। दिवाली के अवसर पर पिछले कई सालों में अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इस बार यह कार्यक्रम अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला है। इस बार अयोध्या में 28 लाख दीपक जलाकर दीपोत्सव होगा। यह अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद का पहला दीपोत्सव है, और यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाकर सारी तैयारियों को देख रहे हैं। पिछले 500 साल से हर सनातनी इस दिन का इंतजार कर रहा था कि भगवान श्री राम को अयोध्या में विराजमान करके दिवाली मनाई जाए। इस साल पीएम मोदी ने 22 जनवरी को करोड़ों सनातनियों की इच्छा भी पूरी कर दी। यही वजह है कि अयोध्या में भव्य दिवाली की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। इस बार अयोध्या में चल रही खास तैयारियों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपोत्सव के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताता हूं। पिछले 3 साल की बात करें तो अयोध्या में साल 2022 में 15,76,000 दीप जलाए गए थे। इसके बाद 2023 में 22,23,000 दिए जले, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 28 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का प्रयास है। ये दिए कल यानी 30 अक्टूबर को पूरे अयोध्या में सरयू के किनारे बने घाटों पर प्रज्वलित कर दिए जाएंगे। दीपोत्सव का यह दृश्य अद्भुत होने वाला है बॉस। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद यह पहला मौका है जब पूरी दुनिया इस भव्य आयोजन को देखेगी। वैसे इस तरह भव्य दिवाली मनाने का सपना पीएम मोदी ने भी देखा था। पीएम मोदी उन लोगों में शामिल हैं जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर के भव्य आयोजन तक हर घटना के साक्षी रहे, और यही वजह है कि पीएम मोदी ने आज अयोध्या की इस दिवाली के बारे में 500 साल के इतिहास की याद दिलाई।
एक बार पीएम मोदी को सुनिए, इसके बाद आपको अयोध्या में भव्य तैयारियों के बारे में बताऊंगा और फिर धनतेरस के बारे में वो बताऊंगा जो शायद ही शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए। दो दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव का उद्देश्य भारत की सनातन शक्ति और आध्यात्मिक परंपरा से दुनिया का परिचय करवाना है और यही वजह है कि इस बार दुनिया के अलग अलग देशों से प्रभु श्री राम को पूजने वाले लोगों को बुलाया गया है। 500 साल में अयोध्या में पहली बार भव्य दिवाली मनाने के लिए एक अलग लेवल पर तैयारी की गई। इसके लिए म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार रामलीला की प्रस्तुति देंगे। 28 लाख दीपों से अयोध्या के घाटों, मंदिरों और पूरे अयोध्या शहर को मिट्टी के दीपों से सजाया जाएगा। ये 28 लाख दिए अयोध्या के 55 घाटों पर जलाए जाएंगे। इस दीपोत्सव के लिए 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही पूरे अयोध्या में गाय के घी से तैयार 1.5 लाख गौ दीप जलाए जाएंगे। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए लेजर और साउंड शो का भी आयोजन होगा। इसमें श्रीराम के जीवन यात्रा से के अलग अलग पहलुओं को दिखाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में एक खास तरह का फ्लेम शो भी दिखाया जाएगा। इसके लिए अमेरिकी फायर वन मशीन मंगवाई गई है। इस बार अयोध्या की दिवाली में सबसे खास बात यह है कि सजावट में किसी भी तरह के चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अयोध्या में दिवाली मनाने के लिए सिर्फ भारत की स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल होगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के साथ ड्रोन तकनीक की मदद से भगवान राम की छवि को आसमान में दिखाया जाएगा। यानी एक तरफ सरयू के घाट लाखों दीयों से जगमगा रहे होंगे, दूसरी तरफ ड्रोन से भगवान राम प्रकट होंगे। सबसे खास बात यह है कि शो के लिए सिर्फ मेक इन इंडिया ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। यह कार्यक्रम कल यानी 30 अक्टूबर को होगा, लेकिन इसके तैयारियों का वीडियो आज ही आ गया है। इसमें दीपोत्सव के दौरान ही राम की पैड़ी पर भव्य एरियल ड्रोन शो होगा, जिसमें मेड इन इंडिया के ड्रोन 15 मिनट तक लोगों को राम कथा के अलग अलग पात्रों और प्रसंगों के बारे में दिखाएंगे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आप सोचिए क्या दिव्य नजारा होगा कि नीचे 28 लाख दिए जल रहे हैं और ऊपर आसमान में दिखेगा कि प्रभु श्री राम जो हैं वो नजर आ रहे हैं, माता सीता नजर आ रही। इस एरियल ड्रोन शो के जरिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की वीर मुद्रा का भी दर्शन होगा। इसके अलावा आकाश में रावण वध, पुष्पक विमान, दीपोत्सव के 15 तरह के फॉर्मेशन तैयार किए जाएंगे। ड्रोन शो के अलावा सरयू घाट पर भव्य लेजर शो भी होगा। आज इसकी भी कुछ तस्वीरें दिखी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं ये तस्वीरें। इस लेजर शो के दौरान भी रामायण काल की अलग अलग घटनाओं को तकनीक के माध्यम से दिखाया जाएगा। श्री राम की बालकांड से लेकर लंका कांड की अलग अलग छवियों को फ्लेम शो की मदद से दिखाया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में आपको अध्यात्म और आधुनिकता का एक तरह का संगम दिखाई देगा। एक और वीडियो देखिए, इसमें दिवाली के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी को किस तरह सजाया गया है ये भी दिखता है। अयोध्या के मंदिर और घाटों के अलावा पूरे शहर में गजब की लाइटिंग हुई। पूरे अयोध्या में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां आपको अंधेरा दिख जाए। पूरा शहर जगमग चमक रहा है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक दिवाली मनाने के पीछे सबसे चर्चित प्रसंग यह है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घी के दीपक जलाए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान कृष्ण का भी दिवाली से गहरा रिश्ता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नामक राक्षस ने 16,000 लोगों को बंधक बना लिया था। दीपावली के एक दिन पहले श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा की मदद से नरकासुर राक्षस का वध किया।
लोगों की रक्षा के लिए धरती माता ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण से विवाह किया। राक्षस नरकासुर का वध नरक चतुर्दशी के वध को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। आज आपको धनतेरस के अवसर पर उस राज के बारे में भी जानना चाहिए जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आमतौर पर लोग धनतेरस को धन और संपत्ति से जोड़कर ही देखते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से भी ऊपर माना जाता है। भाई आपका हेल्थ ही तो असली धन है, कितना कमा लीजिए और स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर क्या कीजिएगा। आज भी भारत में यह कहावत प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, यही कारण है धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत कलश था जो स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। अमृत कलश के साथ प्रकट होने के कारण ही देवताओं ने उनसे अमृत प्राप्त करके अमरत्व की प्राप्ति की। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है और वह स्वास्थ्य, आरोग्य और चिकित्सा के देवता है। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत बताया था जिसमें वात, पित्त और कफ तीन दोष माने गए। आज आपको कुछ श्लोकों की मदद से भगवान धन्वंतरी की महिमा के बारे में बताता हूं। धन्वंतरिस्ततो देवो वपुष्मानुद तिष्ठत श्वेतम कमंडलुम विभद्र मृतम यत्र तिष्ठति। अर्थात समुद्र मंथन में दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा हुआ था, यह लिखा हुआ है। इसी तरह ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय। इसका मतलब है कि परम भगवान को जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्व भय नाशक सर्व रोग नाशक तीनों लोगों के स्वामी और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को सादर नमन है। अब आपको भगवान धन्वंतरी के उस मंदिर के बारे में भी बताता हूं जो साल में एक बार खुलता है। वाराणसी में भगवान धन्वंतरी का मंदिर है और यह मंदिर साल में केवल एक बार आज धनतेरस के दिन ही खुलता है। इस मंदिर में भगवान धन्वंतरी की अष्ट धातु से बनी करीब 50 किलो की मूर्ति है। ऐसा बताया जाता है कि यह मूर्ति करीब 326 साल पुरानी है। करीब 2.5 फुट ऊंची इस मूर्ति में भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में शंख, तीसरे में चक्र और चौथे हाथ में जोंक है। धन्वंतरी जयंती के मौके पर भगवान की इस प्रतिमा का खास विधि के साथ पूजा अर्चना और श्रृंगार करने का प्रावधान है। उनको फल फूलों के अलावा जड़ी बूटी और औषधि का भोग लगाया जाता है। दूर दूर से इस मंदिर में भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद लेने भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि भगवान निरोगी काया का आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि धनतेरस मतलब सिर्फ धन लेने के लिए, धन आ जाए इसके लिए कुछ करना है, असली धन स्वास्थ्य भाई, इस पर भी फोकस करना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, धनतेरस के मौके पर तेल कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है। कई इलाकों में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, दूर दराज के इलाकों में कम हो सकते हैं दाम, 2 से 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। डीलर कंपनियों के मार्जिन को लेकर फैसला हुआ है। मोदी सरकार ने 7 साल पुरानी मांग पूरी की है। तेल कंपनियां जो डीलर कंपनियां हैं, उन डीलर्स हैं, उनके मार्जिन को बढ़ा रही हैं, जिसका फायदा जो है वो ग्राहकों को मिलेगा और पेट्रोल डीजल 2 से 5 रुपए सस्ता हो सकता है, इसकी उम्मीद है। यानी धनतेरस पर आपकी भी थोड़े धन की बचने की उम्मीद बढ़ गई। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बताऊंगा कि कैसे स्कूटी सवार महिला की वजह से मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। विजयन की गाड़ियों का काफिला हादसे का शिकार हो गया। सीएम विजयन का काफिला सड़क से गुजर रहा था, तभी एक महिला स्कूटी को सड़क के दूसरी तरफ ले जाने लगती है। महिला को बचाने के लिए काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे चल रही तमाम गाड़ियां आपस में टकरा गई। आखिर में चल रही एम्बुलेंस को भी संभलने का मौका नहीं मिला। गनीमत रही कि एक्सीडेंट में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। हालांकि वीडियो को गौर से देखने से पता चलता है कि महिला ने स्कूटी टर्न लेने से बहुत पहले इंडिकेटर दे दिया था और सीएम का काफिला भी तेज रफ्तार में था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आखिरकार किसी को चोट नहीं। फिलहाल एक छोटा सा